ESPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये घटना चिंता और चेतावनी दोनों का विषय है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जोशीमठ से 24 किलोमीटर पैंग गाँव जिला चमोली उत्तराखंड के ऊपर का ग्लेशियर फिसलने से ऋषि गंगा पर बना हुआ पावर प्रोजेक्ट जोर से टूटा और एक तबाही लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि माँ सबकी रक्षा करे तथा प्राणी मात की रक्षा करे। कल मैं उत्तरकाशी में थी, आज हरिद्वार पहुंची हूँ। हरिद्वार में भी अलर्ट जारी हो गया है, यानी कि तबाही हरिद्वार आ सकती है। यह हादसा जो हिमालय में ऋषि गंगा पर हुआ, ये चिंता और चेतावनी दोनों का विषय है। उमा भारती का कहना है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने गंगा और सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट न बनाने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस संबंध में मैंने जब मैं मंत्री थी तब अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो एफिडेविट दिया था उसमें यही आग्रह था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाने चाहिए तथा इससे उत्तराखंड की जो 12% की क्षति होती है वो नेशनल ग्रिड से पूरी कर देनी चाहिए। मैं इस दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ। उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ के लोग बहुत कठिनाई का जीवन जीकर तिब्बत से लगी सीमाओं की रक्षा के लिए सजग रहते हैं। मैं उन सब के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अब उमा भारती ने यहाँ सरकार की ओर से बनाए जा रहे पावर पॉइंट्स पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रखी है और शिवराज सरकार को अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ESPN 9 न्यूज के साथ।